जैसा आपको दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं, वो तो एक्चुअली आग लगी थी तो बुझाने के लिए बुलाया था, बट अब तो कोई आग है नहीं। दादी आप इस लड़की के साथ क्या कर रही हैं? धुएं से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए पलकी मुझे कमरे में ले जा रही है। मैडम मैंने चारों जगह चेक कर लिया है, आग कहीं नहीं लगी है, तो मैं निकलूं? जाइए। चल पुत्र। जी पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। 70% आग हमने बुझा दी है, 30% जो बची है वो भी बुझा देंगे। अब प्लीज शांत हो जाइए और कहीं सेफ जगह पे जाइए प्लीज। अगर ये किसी तरीके से अंदर चले गए तो ये मासी को नहीं देख पाएंगे। आप बार बार हमको पुश मत करो, हम लोग नहीं जा सकते, ये हमारा घर है, हमारे घर में ही आग लगी है, हम आपके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। पर हमें देखना है कि अंदर वो औरत है कौन। अरे प्लीज आप लोग समझते क्यों नहीं, आप लोग जाइए प्लीज, हम भी आप लोगों की सेफ्टी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप प्लीज कहीं सेफ जगह जाइए, प्लीज जाइए। अगर इन लोगों ने प्रीता को देख लिया तो इस घर में तो मेरी कहानी खत्म। नहीं, प्रीता को मरना होगा, रोके बंदे को प्रीता को खत्म करना होगा, पर उसमें तो टाइम लगेगा ना, क्या करूं, प्रीता को इन सबके सामने आने से कैसे रोकूं। आइडिया, इन दोनों को लड़वा देती हूँ, ये दोनों लड़ेंगे तो सब उसमें बिजी हो जाएंगे और प्रीता का काम तमाम। एक काम करते हैं, हम ही अंदर चलते हैं और इस इंस्पेक्टर को यहाँ छोड़ देते हैं, वैसे भी ये राजवीर को अरेस्ट तो कर नहीं रहे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप, हमें हमारा काम अच्छे से पता है और वो हम कर रहे हैं। देख तो नहीं रहा, लगता है मुझे इन लोगों को किसी तरीके से अंदर लेकर जाना पड़ेगा। ए, ये क्या कर रहे हो तुम? सर किचन में एक आदमी बेहोश पड़ा है। चलो चलो। ए, कौन है तुम? फायर ब्रिगेड से हो? आईडी कार्ड दिखाओ, दिखाओ आईडी कार्ड। अरे अरे पकड़ो उसको, भाग रहे इसको, पकड़ो पकड़ो। तुम बताओ ताकि हम लोग फैसला कर पाएं, इस घर के बड़े फैसला कर पाएं कि तुम लोगों की दुश्मनी को यहां खत्म कर सके हम लोग। तुम बताओ मुझे क्यों आए थे तुम यहां, शौर्य की म्यूजिक लॉन्च पार्टी में क्यों आए थे? तुम यहां वेटर का काम करने के लिए तो नहीं आए थे, ये बात तो तय। हाँ? तो फिर क्यों आए? हाँ कुछ देर पहले तुमने बताया था हमें वो पलकी का कुछ कुछ मैटर था, लेकिन बात सिर्फ पलकी की नहीं है,
कुछ और भी है। इतना गुस्सा तुम्हारे अंदर कि तुम इस घर तक आ गए, कोई तो बात है जिसे तुम छुपा रहे हो, जिसे यहां पे कोई नहीं जानता। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये बात इतनी आगे बढ़ गई है कि तुम दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हो। झूठ मत बोलना, जो भी है सच बताना। बताओ हम लोगों को, क्योंकि आज हम इस झगड़े को खत्म करेंगे यहीं पर। मैं आपको सब बताता हूं, और जो कुछ भी बताऊंगा सच बताऊंगा। जो कुछ अब तक हुआ सब कुछ बताऊंगा, उसके बाद आप फैसला कर लीजिएगा कि मैंने जो कुछ भी किया वो सही था या गलत। अब झूठ मत बोलना तू यहां पर। मैं तेरी तरह झूठ नहीं बोलता हूं शौर्य। डांट कर रहे हैं ना, वो बीच में पड़े हैं ना, शॉर्ट कर रहे हैं ना उनकी इज्जत का। दादी आप आराम से यहाँ बैठ जाए। स्माइल कर। दादी आप पानी ले लीजिए। थैंक यू पुत्र। आप पानी पियेंगी तो आपको थोड़ा बेटर फील होगा। दादी किचन कहाँ है? किचन का क्यों पूछ रही पुत्र? पानी पिला दिया कि आप खाना भी खिलाएगी मुझे? नहीं मैं आपको खाना खाने नहीं बोल रही हूँ। एक्चुअली आपको ब्रीदिंग इशू हो रहा है ना, मैं थोड़ा गुनगुना पानी करके ले आती हूँ, तो आप गर्म पानी पियेंगी तो थोड़ा बेटर फील होगा। ठीक है पुत्र, यहाँ से राइट जाएगी ना, सीधा जाएगी तो किचन आ जाएगा। ओके आप बैठी क्यों है? आप अच्छे से लेट जाइए। वैसे मैं ना आपको ये ब्लैंकेट उड़ा देती हूँ। अब आप आके इतनी गर्मी से इतनी चिल्ड एसी वाले रूम में आई हैं, वहां इतना धुआं था दादी, आपको गले में खराश हो जाएगा। गले में खराश होगा तो सर्दी होगा, फिर बॉडी एक, और फिर आपको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा ना। पुत्र कितना ख्याल रख रही तू मेरा, ऐसा तो कोई अपना ही करता है ना। मुझे बड़े डॉक्टर अच्छे ही नहीं लगते। एक तो नकली सी हंसी देते हैं, फिर वो हथौड़ा लेके मारते हैं, और फिर पिता को तो पता है मैं कैसे अवॉइड करती हूँ डॉक्टरों को। I know that. दादी hates doctor. तुम्हें छोड़कर ये लड़की तो बिल्कुल पिता जैसी है, उतना ही प्यार उतने ही संस्कार, ये तो पूरी पिता की परछाई है। मैं पानी ले आऊं? क्या हुआ दादी? मुझे किसी की याद आ गई पुत्र। सब ठीक है ना? हाँ। किसकी? वो नहीं नहीं कोई नहीं, जा पुत्र तू पानी ले जा। आप ठीक है? हाँ पक्का? मैं जल्दी आई। ये राइस। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।